गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम आयुष पुरोहित फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल गुड़गांव एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग इंग्लिश ऑफ क्लास 6, चैप्टर नेम डेजर्ट एनिमल्स. तो बच्चों, जो डेजर्ट एनिमल जो चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डेजर्ट के बारे में जान लेते हैं. तो बच्चे, एक डेजर्ट जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वाटर की बहुत स्कैरसिटी है, मींस पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, है ना. तो वहाँ पर जो एनिमल्स है उनको सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ डेवलप हो गई हैं जिससे वो वाटर की स्कैरसिटी में भी सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है, तो आइए अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं. डेजर्ट एनिमल. डेजर्ट इज द ड्राइस्ट प्लेस on earth and sometimes go for months or even years without rain. But even the desert animals cannot survive without water. For long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with harsh conditions. तो बच्चों, ये जो डेजर्ट है, धरती पे सबसे ज़्यादा जो है सूखे स्थान है और कभी कभी यहाँ पर महीनों और सालों हो जाते हैं जबकि बारिश नहीं होती है. बच्चों, अब जो डेजर्ट एनिमल है यानी जो रेगिस्तानी जो जीव हैं वो भी बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए इन द स्कॉर्चिंग सन, मीन सूर्य की चिलचिलाती हुई धूप में से बचने के लिए उन्होंने, और इस हार्श कंडीशंस यानी कि कुछ कठिन परिस्थितियों से सर्वाइव करने के लिए उन्होंने क्या करी है, कुछ स्पेशल एबिलिटीज उनके अंदर डेवलप हो गई हैं. तो जैसे कि ग्रिबल्स नाम की एक गिलहरी है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रोडेंट है. तो ये चूहे की जैसी होती है. तो बच्चों, ये क्या करती है, जब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये होल करके अंदर चली जाती है और अंदर ये अंडरग्राउंड रहती है जब तक कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं. एंड द स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग एंड बीटल्स आर एक्सपर्ट एट स्क्रचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स देन लिफ्टिंग देम इनटू एयर अंटिल द ड्रॉप ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ. नॉट ऑल द डेजर्ट आर एंडलेस सी ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. सम आर रॉकी और पेबली and dotted with small bushes over, while others are sprinkled with colored flower during the spring. तो बच्चों, ये जो darkling beetle है, बच्चों ये क्या करता है, ये अपने पैरों से क्या करता है, जो नमी है उसको, moisture को catch कर लेता है और उसको फिर हवा में उछाल देता है और तब तक, और फिर उसको अपने मुंह में फिर उस मॉइस्चर के ड्रॉप को पी लेते हैं. यानी कि बच्चे पानी को अपने पैरों से कैच करता है और उसे हवा में उछालता है और फिर पी लेता है. तो इस तरीके से ये एनिमल्स क्या हैं, इनके अंदर स्पेशल एबिलिटीज डेवलप हुई हैं जो जिनके कारण ये सर्वाइव डेजर्ट में कर पा रहे हैं. तो इसी के साथ बच्चों, ये जो सारे डेजर्ट हैं वो सारे रेत के ढेर नहीं हैं. कुछ डेजर्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, पत्थर हैं, है ना, और स्मॉल बुशेस यानी छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं. और कुछ डेजर्ट यानी कि रेगिस्तानों में तो कलरफुल फ्लावर भी उगते हैं, लेकिन स्प्रिंग के मौसम में यानी कि बसंत के मौसम में. देर आर मोर देन 2,300 काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड रेगिंग फ्रॉम 15 मीटर्स लॉन्ग मोर टू देन 11 मीटर्स. Most snakes are quite harmless, but there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. तो बच्चों, यहाँ पर धरती में, हमारे संसार में, हमारे वर्ल्ड में 2,300 यानी कि 2,300 से ज़्यादा सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं. तो बच्चों, उनमें से मैक्सिमम जो प्रजातियाँ वो कैसी हैं, पॉइजनस है, यानी कि उनमें वो इंसान को हानि नहीं पहुंचाते. लेकिन कुछ कैसे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं जिनकी लंबाई कितनी, 11 सेंटीमीटर
से 11 मीटर्स तक, 15 सेंटीमीटर से 11 मीटर्स तक हो सकती है। अब बच्चों, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि 15 मीटर्स कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, तो जो हमारा रूलर होता है या जो हमारी जो छोटी वाली जो स्केल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। तो उतने बड़े से लेकर के 11 मीटर्स यानी कि एक हाउस की हाइट तक के स्नेक्स, इतने बड़े स्नेक्स के हो सकते हैं, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा जहरीले होते हैं कि किसी भी आदमी को, ह्यूमन बींग यानी कि मैन को या आदमी औरत किसी को भी एक बाइट से यानी कि सिर्फ एक बार काट करके उस वो आदमी की डेथ हो सकती है। अगर ये किसी भी एक आदमी को एक बार काट लें तो उनकी उसकी डेथ हो सकती है। तो बच्चे, इसमें जो सभी जो हैं, कुछ जो हैं वो एग्स देते हैं और कुछ क्या करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक स्नेक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है, रैटल स्नेक। तो ये जो रैटल स्नेक है बच्चों, ये कैसा है, ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। कहाँ से एरिया में, अमेरिका के बहुत ज़्यादा हिस्सों से लेकर के अर्जेंटीना तक ये जो है फैला हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है, लोगों को डराता है अपनी पूंछ से यानी कि अपनी टेल से, बहुत तेज आवाज़ निकाल के क्या करता है, लोगों को डराने की कोशिश करता है। तो बच्चों, इसकी जो पूंछ की जो साउंड है, ये जो पूंछ हिलाता है ऊपर नीचे, उसकी जो साउंड है इतनी ज़्यादा तेज होती है कि 30 मीटर्स तक सुनी जा सकती है, ठीक है। और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है। बट द रैटल स्नेक और रैटर एस इज समटाइम्स कॉल्ड प्रिफर टू अवॉइड पीपल इफ पॉसिबली कैन। इट होल्ड इट्स टेल अपराइट एंड रैटल द एंड whenever it is disturbed in hope that the intruder will go away. However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. But rather itself cannot hear the noise of its own tail makes. तो बच्चों, ये जो रैटल जो स्नेक होता है और जो कुछ बहुत सारे जो स्नेक्स होते हैं, ह्यूमंस को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उनसे दूर रहता है, ठीक है। लेकिन जब ये रैटल, कोई भी रैटल स्नेक को कभी भी जब डिस्टर्ब किया जाता है तो वो क्या करता है, अपनी पूंछ से बहुत ज्यादा क्या करता है, साउंड क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिससे कि आदमी जो है इंट्रूडर यानी कि क्या होता है, आक्रमणकारी या जो बाहर से उनको मारने आया है ना, वो डर करके क्या हो जाए, भाग जाए। अगर क्या होता है बच्चे, उसकी वार्निंग्स को इग्नोर किया जाता है तो वो मारने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों, स्नेक्स में क्या एक दिक्कत जो होती है, स्नेक्स के साथ एक जो क्या चीज़ है कि स्नेक जो है वो साउंड को नहीं सुन सकते हैं, यानी कि अगर उनकी जो खुद की जो ये जो रैटल स्नेक है, जो इसकी जो खुद की जो पूंछ है वो साउंड क्रिएट करती है, उसको भी वो नहीं सुन सकता है। तो बच्चों, ये जो स्नेक्स हैं ये सुनते कैसे हैं, ये जो है ये अर्थ के वाइब्रेशंस को फील करते हैं, है ना। जब कोई भी आदमी या कोई भी एनिमल है उनके आसपास आता है तो वाइब्रेशंस से जानते हैं कि कौन उनके पास है, ठीक है, या कितनी डिस्टेंस पे आदमी, ये जो भी ह्यूमन और एनिमल है वो उनसे कितनी डिस्टेंस पे है। अभी जो चीज़ है बच्चों, एक जो चीज़ कि जो स्नेक्स के सामने कोई आदमी अगर चले तो उनको पता चल जाएगा उनके पास क्या है, कोई इंट्रूडर या आक्रमणकारी आ गया है या कोई आदमी आया है जो उनको हार्म कर सकता है। अगर वो आदमी खड़ा ना रहे, सिर्फ चिल्लाए, मतलब मींस वो आदमी वॉक ना करे, सिर्फ स्नेक के बगल में खड़े होकर चिल्लाता रहे, तो क्या होगा, स्नेक उस शाउट को नहीं सुन सकता है, क्योंकि स्नेक्स के कान नहीं होते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेशंस को फील करते हैं, ठीक है। बच्चे, जो रैटल स्नेक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ना, और ये जो है कि ये बहुत ही वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं ये रैटल स्नेक्स, ठीक है। कहाँ से, अमेरिका से अर्जेंटीना तक ये फैले हुए। और इनका जो फीड यानी कि खाना क्या होता है, इनका खाना होता है बच्चों, ये वैरायटी ऑफ प्रे मतलब होता है शिकार, बहुत सारी चीज़ों का शिकार करते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर्स। बच्चों, चिपमंक्स क्या होता है, एक छोटी सी गिलहरी टाइप होती है ना, जो कहाँ रहती है, जिसमें
लाइट और डार्क स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा छोटे एनिमल्स। रैटल स्नेक किल देयर प्रे विथ वेनम, लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। तो बच्चों, ये जो रैटल स्नेक हैं अपने शिकार को कैसे मारते हैं, अपने जहर से। वेनम मतलब क्या होता है, जहर, है ना। और ये क्या करते हैं, और अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल लेते हैं। कुछ जो स्नेक्स होते हैं बच्चों, एक हफ्ते तक बिना खाए रह सकते हैं। और जो कुछ जो पाइथन्स है, पाइथन्स क्या होते हैं बच्चों, अजगर। तो जो अजगर है, कुछ अजगर इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि एक साल तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। मंगूस लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुक फॉर डेंजरस प्रिडिक्टर्स नियर बाई पॉकिंग देयर नोजेस इनटू द होल्स, ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज, स्ट्रेचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज। बैंडेड मंगूस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। तो बच्चों, जो मंगूस यानी कि जो नेवले होते हैं, ये क्या करते हैं, साथ में मिलके शिकार करते हैं, है ना, और हमेशा आउट लुक आउट करते हैं, यानी कि देखते हैं कि कोई दूसरा प्रिडिक्टर यानी कि कोई दूसरा जो शिकारी है उनके ऊपर आक्रमण ना कर दे और उनकी जान ना ले ले, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, मिल करके शिकार करते हैं और क्या करते हैं, अपने आसपास भी देखते रहते हैं। तो बच्चों, ये जो मंगूज हैं यानी कि जो नेवले हैं, अपनी चोंच से, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अपने मुंह से क्या करते हैं, ज़मीन में छेद करते हैं, और अपने पंजों से जो शार्प जो इनके क्लॉज हैं यानी कि जो पंजे हैं, क्लॉ मतलब होता है पंजे, है ना, उन पंजों से क्या करते हैं, मिट्टी को खिलने की बाहर की तरफ फेंकते हैं और अपने लिए होल क्रिएट कर लेते हैं। तो बच्चों, ये जो मंगूज हैं, ये बहुत अम्यूजिंग एनिमल्स हैं, यानी कि अम्यूजिंग क्या होता है, मज़ेदार, है ना, मज़ेदार एनिमल्स हो सकते हैं जब ये ऐसा काम करते हैं तब देखने के लिए। अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल्स इन अ ग्रुप ऑफ अबाउट टू 20 to 40 फॉर बीटल्स, मिलपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स। तो बच्चों, जो मंगूज जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इन्हें हमेशा हम ग्रुप में रहते हुए और ग्रुप में ट्रैवल करते हुए देखा गया है। और ये हमेशा शिकार भी साथ करते हैं और ये छुपे रहते हैं, कब तक, जब तक कि इनके सामने कोई शिकार नहीं आ जाता है इनका, तब तक ये रॉक्स पे बुशेस के पीछे छुपे रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई खतरा ना आ जाए। खतरा कैसा बच्चों, ईगल्स हो गए, लार्ज स्नेक्स हो गए, है ना, और ये एक दूसरे को वार्न करते रहते हैं एक स्पेशल अलार्म से, अगर इन्हें कुछ भी क्या दिखता है, खतरनाक महसूस होता है। तो बच्चों, तो इनका कुछ अपना होता होगा, अलार्म होता होगा, उससे क्या करते हैं, एक दूसरे को वार्न करते हैं कि कुछ खतरा आसपास है। मंगूस आर फेमस टू बीइंग एबल टू कुल स्किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट एंड दे कैन डॉच ईच टाइम देयर द स्नेक स्ट्राइक्स, दे कंटिन्यूसली make a mistakes of themselves until after a while when a snake get tired they quickly dive in for the kill. तो बच्चे, जो नेवले जो होते हैं क्या करते हैं, स्नेक्स को मारने में सक्षम होते हैं बिना अपने आप को नुकसान पहुँचाए। तो बच्चे, ये क्या करते हैं, ये पहले स्नेक्स को क्या करते हैं, थका देते हैं उनके साथ, और उनके रिएक्शंस इतने फास्ट होते हैं कि स्नेक इनको किल नहीं कर पाते हैं और थक जा इनसे लड़ाई करते करते वो थक जाते हैं। जैसे ही स्नेक्स क्या होता है या जो सांप होता है वो थकता है, ये मंगूस जो है नेवले जो है उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उसे किल कर देते हैं। जो बच्चे, जो फीमेल जो मंगूस होती हैं वो अपने सभी जो हैं अपने बेबीज को सेम टाइम पे बॉर्न करते हैं, यानी कि अपने बेबीज को एक समय पे जन्म देती हैं। और ये पूरा ग्रुप जो है कहाँ रहता है, एक डैन में रहता है। डैन मतलब क्या होता है बच्चों, गुफा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, उस डैन में रहते हैं, और जब एडल्ट्स बाहर जाते हैं तो एक या दो मेल्स क्या करते हैं, गार्ड करते हैं जब तक बाकी लोग रात तक ना लौटें। तो बच्चों, ये क्या होता है, मंगूस लोग भी क्या करते हैं, जिस तरीके से हम ह्यूमंस करते हैं, हम जो वॉचमैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, गार्ड देते हैं, इसी तरीके से इस मंगूस में भी वॉचमैन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, गार्ड करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फीमेल्स के लिए। अदर एनिमल्स विच लिव्स इन द डेजर्ट इज कैमल। Camel were first domesticated by the people many thousands of years ago. In the wild, camels usually live in small groups of
अप टू 30 एनिमल्स. कैमल्स हैव लॉन्ग स्टैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडर कोट्स इन समर टू कीप कूल. तो बच्चों जो कैमल होते हैं इनकी जो खाल होती है वो कैसी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा वो होती है, इसमें कोट टाइप की होती है जिससे क्या होता है इन्हें ये बचाया जा सके ठंडे और गर्मी से. और जो बच्चे कैमल ही वो सबसे पहला एनिमल है जिसे क्या किया गया है, पालतू बनाया गया है ह्यूमन के द्वारा. ठीक है, मतलब जो है ठीक है. और ये कैमल जो है किसमें रहते हैं, 30,000 ईयर पहले जो है इसको डोमेस्टिकेट यानी कि पालतू बनाया था. बच्चों कैमल जो है एक बार में 30 गैलन ऑफ वाटर जो है ड्रिंक कर सकता है. एक बार में कितना पानी पी सकता है, 30 गैलन ऑफ वाटर. ठीक है बच्चों, यानी कि ये एक बार में 5,000 जो पांच जो है अबाउट 500 ग्लासेस जो है इतना पानी जो है ये पी सकता है सिर्फ 10 मिनट में. ठीक है, और ये क्या करता है, डेजर्ट प्लांट से ये मॉइस्चर लेता है अपने आप को और 10 महीने तक ये बिना पानी पिए रह सकता है. बच्चों यहाँ पर दो टाइप्स के कैमल्स से हमें देखने को मिलते हैं हमें. एक जो होता है वो डोरमेंड्री होता है, उसमें एक सिंगल हम्प होती है. ठीक है, जैसे अभी हमें यहाँ पर एक, उसमें सिर्फ क्या होती है, उसमें एक हम्प होती है. और जो दूसरे टाइप का जो कैमल होता है उसमें उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियन कहते हैं. उसमें टू हम्प्स होती हैं जैसा कि आपको इमेज में देखने के लिए मिल रहा है ना. ये हम्प्स क्या होती हैं बच्चों, ये जो हम्प्स होती हैं बहुत सारे लोगों को वह बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम्प्स में क्या होता है, वाटर स्टोर होता होगा. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. इसमें वाटर स्टोर ना होकर के क्या होता है, इसमें आपका फैट स्टोर होता है. जब जो कैमल है बहुत टाइम तक खाना नहीं खाता है तो वो इस फैट को यूज़ करता है और ये जो हम्प है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. ठीक है, और इससे वो अपनी नीड को पूरा कर लेता है. तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है डेजर्ट एनिमल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. अब हम मिलेंगे नए चैप्टर में, और तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें. और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं. आई विल आंसर योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल. हैव अ गुड डे.